मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेसन करते हैं द अर्ली मैन ऑफ, ठीक है, द अर्ली स्टोरी ऑफ, द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। बच्चों हम स्टोरी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं जो अर्ली मैन से रिलेटिव थी। अर्ली मैन जानते हो आप लोग कौन थे? हमारे पीपल हु लिव अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले आए थे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अर्ली मैंस, अर्ली ह्यूमन्स के नाम से जानते हैं। बच्चों इन्हें कुछ भी ना साइन लैंग्वेज का जानते थे, ना इनको व्हील का इन्वेंशन था उस समय, ना कोई गाड़ी, ना कोई घोड़ा, किसी चीज़ का नहीं था। और क्या करते थे ये लोग? इनको ये कच्चा ही खाना खा लेते थे, इनको आग जलानी भी नहीं आती थी, ये लोग कपड़े भी नहीं ढकते थे, अपने पे पत्तों से ढकते थे। धीरे 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 इस्टेब्लिश होते होते आज हम देखिए कंपैरिजन करिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, लेसन स्टार्ट करते पेज नंबर 98, डिस्कवरी द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। द पीपल हु लिव्ड इन लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो आर नोन एज द अर्ली मैन। ऑन अर्ली ह्यूमंस दे वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्या करता था अर्ली मैन? खाने की खोज में इधर से उधर घूमता रहता था। उसका कोई स्थायी मकान नहीं था कि वो एक जगह पे रहेगा, जहाँ उसे खाना मिल जाता था वहीं रह लेता था, और मोस्टली नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते। दे लिव्ड इन केव्स एंड इन ट्रीज। कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, गुफाओं में, पेड़ों पर रहते थे। दे कवर्ड विद देयर बॉडी द स्किन ऑफ एनिमल्स और लीव्स। अपने शरीर को उनके कपड़े नहीं पहनते थे, वो क्या करते थे? स्किन्स, एनिमल्स की स्किन और लीव्स, पेड़ पत्तियों के धागों से ढकते थे। दे एट रूट्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। क्या खाते थे वो लोग? कोई भोजन पका के नहीं खाते थे, मैंने अभी आपको बताया, रॉ मटेरियल्स खाते थे, रूट्स खाते थे, जड़ें, फ्रूट्स और फ्लैश ऑफ एनिमल्स खा लेते थे। दे एट एवरीथिंग रॉ, और सब कुछ जो भी खाते थे सब कच्चा खाते थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, वो नहीं जानते थे कि गैस कैसे, वो आग कैसे जलाई जाती है। फिर उन्होंने क्या किया? खोज करी, आग की खोज करी। कैसे करी? चलिए पढ़ते। वेन एवर अ फॉरेस्ट फायर एक्विट द अर्ली ह्यूमंस गॉट स्केयर्ड ऑफ इट, दे नोटिस डेट इवन एनिमल्स वर्ड अफेयर ऑफ इट। जब एक बार उन्होंने आग को जलते हुए देखा जंगल में, तो उन्होंने क्या देखा कि द अर्ली ह्यूमन्स गॉट स्केयर्ड, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि इससे तो एनिमल्स भी डरते हैं। द अर्ली ह्यूमन्स लुक मैनी ईयर्स टू लर्न अबाउट मेकिंग फायर। कई साल लग गए उन्हें क्या करने में, आग को बारे में जानने में। वन डे वाइल मेकिंग स्टोन टूल्स समवन रबड टू स्टोन टुगेदर विच क्रिएट अ स्पार्क। एक बार क्या हुआ, उन्होंने दो पत्थरों को रगड़ रहे थे आपस में, उनमें से अचानक से क्या स्पार्क हुआ, अचानक से चिंगारी निकली। दिस हेल्प टू स्टार्ट ऑफ फायर, यही स्टार्टिंग थी हमारी आग की। दिस इज हाउ टू द अर्ली ह्यूमन्स डिस्कवर्ड द फायर। इस तरीके से अर्ली मैन ने आग के बारे में सीख लिया कि कैसे जलती है। दो पत्थरों को रगड़ा, उसमें से चिंगारी निकली, अब वो समझ गए ये आग है। और उनको क्या हुआ, वो इतना आश्चर्यचकित हुए कि इस आग से तो एनिमल्स भी डरते हैं। द अर्ली ह्यूमन यूज फायर टू कुक फूड, फिर वो खाना बनाना उस आग से सीख लिया उन्होंने। दे ऑल्सो यूज फायर टू लाइट देयर केव्स, जब आग जलाने का आविष्कार हो गया तो उन्होंने अपनी जो गुफाएँ थी उसको भी लाइटिंग करना सीख ली, उसी आग से जला, उससे रोशनी करना सीख ली। दे यूज़ फायर टू स्केयर अवे एनिमल्स, ये जो जानवर थे बड़े जानवरों को भी डराना सीख लिया, वो भी उससे डरते थे। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ फायर का सीखा। तो बच्चों इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग। जिस तरीके से इन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर किया, इसी तरह से इन्होंने खेती बाड़ी करना भी सीखा। क्योंकि जो हमारा अर्ली ह्यूमंस थे उनको ना तो साइन की लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज आती थी, वो अपनी लैंग्वेज कैसे समझाते थे, बहुत पहले इशारों से समझाते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे लिखना पढ़ना अपनी बातों, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को गुफाओं पे लिख बना बना के चित्रों के माध्यम से बताने लगे। धीरे धीरे लैंग्वेज की वेल सीखा उन्होंने, फिर वो इशारों से बातों से सीखने लगे। इसी तरीके से फिर उन्होंने फायर को सीखा कि दो पत्थरों को रगड़ा, उसमें से अचानक स्पार्क हुआ, तो फिर उन्होंने उस आग का आविष्कार सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने फार्मिंग करी। उन्होंने भी स्टार्ट किया
क्योंकि पहले तो वो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी, सीड्स के बारे में जाना क्या है ना, और फिर उन्होंने प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स को ग्रो करना सीखा, सॉइल मिट्टी के बारे में सीखा, इस तरीके से उन्होंने अपनी खेती शुरू करी। और क्या हुआ, इस खेती से वो एक ही जगह रुकने लगे, जो सर्च ऑफ फूड के लिए वो इधर उधर घूमते थे वो उनका घूमना बंद हो गया। तो बच्चों आज का आपका असाइनमेंट क्या है, आपको डिस्कवरी ऑफ फायर के 3 यूज़ जो लिखे हुए हैं वो आपको लिखने हैं कि ह्यूमन बीइंग ने फायर से क्या क्या यूज़ किया। नाउ गुड बाय।